वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं आयाज अहमद और आगे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का लेक्चर नंबर 3 रूल द कंट्री साइड। यानी कि इससे पहले हमने देखा था कि ईस्ट इंडियन कंपनी यहां पे आती है 1600 में, फिर बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में, इसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, ठीक है ना, जिसमें टपर एनस बन जाता है, टपर एनस ठीक, शाह आलम सेकंड, इसके अलावा सराजुद्दौला, ठीक है ना। तो वो हमने देखा था मीर कासिम, वो तीनों मिलके बैटल ऑफ बक्सर लड़ते हैं। फिर हमने देखा था कि ईस्ट इंडियन कंपनी कंबूड यहां पे आ जाता है, वो रॉबर्ट क्लाइव जो है फर्स्ट गवर्नर यहां पे बन जाता है। वो सारी कहानी हमने इससे पहले लेक्चर्स में देखे थे, अब हम उसी बात पर चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या क्या फिर ईस्ट इंडियन कंपनी अभी यहां पे थोड़ी थोड़ी सी अभी रहने लगी थी, अब क्या क्या इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इस कंपनी को आगे बढ़ाने की, जिसमें आपको बताया था कि लगभग 78% पे, अगर हम 1800 की बात करें या 1857 की बात करें तो उस टाइम पे ये एटलीस्ट 78% लोगों पे रूल कर रही थी, और इसके अलावा 63% ये 78% यहाँ लोगों पे और 63% टेरिटरी पे लैंड कर रही थी डायरेक्टली, और बाकी जो बचे हुए कुछ जो परसेंट लोग हैं या जमीन है उन पे वो इनडायरेक्टली रूल करते थे, इनडायरेक्टली रूल करते थे, ठीक है ना। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो वहां पे हमने क्या देखा था, द कंपनी बिकम्स द नवाब, ये भी हमने वहां पर पढ़ा था। इसी से यहां से स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर का रूलिंग द कंट्री साइड। यानी कि आप कंपनी जब नवाब बनी, नवाब बनने के साथ साथ इस कंपनी ने यहां पर क्या किया, कैसे इस कंपनी को अपने कंपनी को एक्सटेंड किया, कौन कौन से इन्होंने रूल्स नए निकाले, ठीक है ना। ये कि द कंपनी बिकम द दीवान, यानी कि दीवान बन गए, अब दीवान राइट्स उनको मिल गए, अभी नवाब बन गए थे, ठीक है ना। 14th अगस्त 1765 की बात करेंगे, ये जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाते हैं, जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है 1764 में, और 1765 में मुगल एम्परर जो है वो इनको नवाब बनाते हैं, इनको नवाब बनाते हैं, किसको, ईस्ट इंडियन कंपनी को, ईस्ट इंडियन कंपनी को। नाउ जब ये नवाब बन जाते हैं, जब इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, नाउ दे हैव दीवानी राइट्स, जब उनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं, अब क्या हो जाता है, अब नाउ द कंपनी बिकम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि CFA चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ टेरिटरीज अंडर कंट्रोल, नाउ दे कैन कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी एज वेल एज रेवेन्यू ऑफ द टेरिटरी। Now they are able, the Asian company is now, they are able to control all the territories that are under this company. Now जो इनके under आता है, जो territory इनके अंदर आते हैं, उस territory पे तो ये rule करेंगे, उस territory से ये revenue हासिल करेंगे। जैसे मैंने इसके पहले भी पिछले lecture में आपको बताया था कि इससे अगर हम बात करेंगे 1760 अगर हम बात करेंगे 1757 की अगर हम बात करेंगे, तो जब बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, इससे पहले की बात करेंगे, ये सिल्वर और गोल्ड लाते थे यहाँ पर, लेकिन अगर हम 1757 पे बात करेंगे, जब सराजुद्दौला ने उनसे लड़ा था और सराजुद्दौला हार चुका था, और फिर इन्होंने सिल्वर और गोल्ड को यहाँ पे जो ला रहे थे कम किया था स्लो, और जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे जीत ली थी, जहां पे टपर अलायंस हुआ था मीर कासिम, शाह आलम सेकंड, और इसके अलावा जो सराजुद्दौला, इन्होंने टपर अलायंस बनाई थी, और फिर इन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट द ईस्ट इंडियन कंपनी, और ये वहां पे भी हार गए थे, और तब इन्होंने सिल्वर और गोल्ड यहाँ पे टोटली खत्म किया, अभी ये चीज नहीं ला रहे थे, क्यों नहीं ला रहे थे, ये रेवेन्यू
और रेवेन्यू यहाँ से जो कलेक्ट करते थे उसी से गुड्स क्या करते थे, ले लेते थे, वो हम अभी भी देखेंगे। अब क्या किया, अब इस कंपनी को अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रेटरी के बन गए, अब इनको उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, अब इनको इनको कंट्रोल करना है इस फील्ड पे, इस टेरिटरी पे, हा? इनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, इसके लिए उनको एक्सपेंड करना है इस कंपनी को, अब इस कंपनी को इनको एक्सपेंड करना है। इन्होंने तीन चीजें यहाँ पे की है, इन्होंने यहाँ पे तीन चीजें की हैं। इन तीन चीजों को हम देखने की कोशिश करेंगे। पहले यील्ड एंड रेवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द कंपनी। अब इन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने करना था, क्योंकि इनके अंडर जो टेरिटरी आते थे उनसे वहां से क्या करना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था, यही कह रहा यील्ड रेवेन्यू। अब इन्होंने वहां से ज्यादा रेवेन्यू को कलेक्ट करने की मांग की है, ताकि वो कंपनी की नीड्स को क्या कर सकते, फुलफिल करे, वहां पर कंपनी को क्या कर सकते, एक्सपेंड करे, कंपनी की बिल्डिंग्स को क्या कर सकते, बनाए, कंपनी को प्रोटेक्शन दे सके, ज्यादा से ज्यादा आर्मी मेंबर्स ला सके, आर्मी को डिसिप्लिनड बना सके। इन सबों चीजों के लिए, इन फाइट के लिए फर्स्ट, ठीक है ना, इन सबों चीजों के लिए इनको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और वो पैसे कहाँ से आ जाते थे, वो पैसे इन्हीं रेवेन्यू से आ जाते थे। और ये रेवेन्यू कहाँ से मिल जाता था, और ये रेवेन्यू वहां उस जमीन से मिल जाता था जो इनके अंडर कंट्रोल थे, बाय एंड सेल प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कंपनी। नाउ दे कैन बाय बाय देयर ओन वांट्स, नाउ द कंपनी कैन बाय एंड सेल द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द नीड। और ये जो जरूरत होगी वही सेल करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले उनको यहाँ से सिल्वर गोल्ड लाना पड़ता था, अब वो भी नहीं है, क्योंकि अभी खुद मुख्तार है, अब ये राजा बन चुके हैं, अब ये गवर्नर्स बन चुके हैं, अब इंडिया उनके अंडर आ गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा डू ऑल द थिंग्स कॉशियस, नाउ इन्होंने क्या किया, कॉशियसली, लेकिन उनका तीसरा रूल ये था कि क्योंकि ये एलियन पावर है, यहाँ से दूसरे जगह से ईस्ट इंडियन कंपनी, ईस्ट से आए हुए, ब्रिटेन से आए हुए लोग हैं, और यहाँ पे हर एक चीज को कॉशियसली उठाना है। जैसे हम अकबर की बात करेंगे, ठीक हो, देखो औरंगजेब की बात करेंगे, औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ था, औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ था कि जो नोबल्स थे उनके ईरानियस की ईरानियस और इराकीज में आपस में वो लड़ने लगे थे, ठीक है ना, और राजपूत के साथ लड़ाई हो रही थी, मराठास के साथ लड़ाई हो रही थी। लेकिन जब पहले पहले दौर की अगर हम बात करेंगे, अकबर की बात करेंगे, ठीक है ना, शाहजहां की बात करेंगे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने जो राजपूत लोकल रूलर्स यहाँ पे थे उनसे अच्छे से वो पेश आ जाते थे, क्योंकि उनको पता था अगर हम इनसे लड़ जाएंगे तो हमें यहां से निकलना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम ईरान से आए थे, ये क्या थे, अरब कंकर्ड द वर्ल्ड। हम देखेंगे वो हिस्ट्री में आगे आगे आगे, ट्वेल्थ में हम पढ़ेंगे वो कि कैसे महमूद गजनी, महमूद गोरी यहाँ पे क्या करते हैं, अटैक्स करते हैं सोमनाथ टेम्पल पर, ठीक है, वो कहानी हमने थोड़ा सा आपको बताया थी क्लास 7th हिस्ट्री में। तो वहां पे भी हमने देखा था कि जब ये आपस के लोकल रूलर से अच्छे से बात नहीं करेंगे तब क्या हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। ये बोल रहे हैं कि हर एक स्टेप उसको कॉशियसली उठाना है, ऐसा ना हो जाए कि ये रिवोल्ट जब 1857 के रिवोल्ट भी जब हो जाता है, वो हम आगे देखेंगे इसी क्लास 8th में ही। बिफोर 1765 की बात अगर हम करेंगे तो ये सिल्वर और गोल्ड लाते थे, मैंने आपको बताया 1757 में ही लाते थे, लेकिन जो बैटल ऑफ प्लासी हो जाते हैं ये कम करते हैं। नाउ रेवेन्यू, नाउ द आफ्टर द 1765 दे हैव स्टैफर्ड द गोल्ड एंड सिल्वर दैट कम्स फ्रॉम द यूरोप, जो ब्रिटेन से ही लेते थे सिल्वर एंड गोल्ड, इसको अब खत्म किया गया था। अब रेवेन्यू से जो उनको रेवेन्यू मिलता है कहां से, इन टेरिटरी से, इन जगहों से जो इनको रेवेन्यू मिल जाता है इसी रेवेन्यू को ये यूज करते हैं, रेवेन्यू फॉर द कंपनी। नाउ जब रेवेन्यू मिल जाता था अब क्या हुआ इस रेवेन्यू की, रेवेन्यू कितना इन्होंने रेवेन्यू लिया, हाँ देखो आर्टिस्टेंस डिजर्टिंग विलेजेस, ये विलेज छोड़ के चले गए थे बहुत सारे आर्टिस्टन्स, क्यों, क्योंकि फोर्स टू सेल गुड टू कंपनी, क्योंकि उनको फोर्स किया गया कि आपको सेल करना है,
आपको सेल करना है गुड्स, कंपनी को आपको सेल करना है गुड्स एट अ लो प्राइसेस. नाउ दे आर फोर्स ऑप्शन, सो आई फोर्स इट टू सेल द गुड्स टू द कंपनीज एट लो प्राइसेस. अब उनको लो प्राइसेस में कंपनी को क्या करना था, गुड्स को बेचना था, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे विलेज जो है वहां पे आर्टिस्टर्स की कमी महसूस होने लगी. और इसके अलावा पीसेंट डू नॉट एबल टू पे, उन्होंने इतने हाई टैक्सेस लगाए कि जो बेचारे पीजेंट्स थे, जो रोजमर्रा के काम करने वाले बंदे थे, वो उस टैक्स को फुलफिल ही नहीं कर पाते थे. और पीजेंट्स डू नॉट एबल टू पे, दे वर नॉट एबल टू पे द टैक्सेस दैट वर, ठीक है ना, जो किन्होंने बनाई थी, इन कंपनी लागू की थी. इसके अलावा आर्टिस्टन जो प्रोडक्शन थी और आर्टिस्टन जो की जो प्रोडक्शन थी वो भी डिक्रीज होने लगी. और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन थी वो भी डिक्रीज होने लगी, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने हाई टैक्स लगाए थे. और 1770 की बात करें और टेरेबल फैमिन भी आया था, यानी कि 10 मिलियन, एटलीस्ट 10 मिलियन पीपल्स वर डाइड एट बंगाल. और दैट मीन्स की 1/3 पॉपुलेशन जो बंगाल की थी उस पर इफेक्ट पड़ा था, वो डेड हो गई थी. आप खुद ही सोचो क्या मतलब कैसी हालात थी, एक साइड से इतने टैक्स, ये क्या लगा रहे थे, इतने ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, हाई टैक्सेस पे करते थे, और यहाँ से फैमिन भी आया था. और कैसे रह रहे होंगे वो लोग उस टाइम के, किस टाइम की बात हो रही है, 1765 की बात हो रही है ऑनवर्ड, 1765 टू 1857 उसी आसाम में. नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर ना, जब ऐसी सतती आ जाएगी, जब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएंगे, जब लोग फिमाइन से मर रहे होंगे, 10 मिलियन पीपल वर डेड एट बंगाल, जब ऐसी कुछ स्थिति हो जाएगी, ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ माहौल हो जाए, पैदा हो जाएगा, नाउ नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. नाउ यहाँ पे नीड थी किसकी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की नीड थी, ठीक है ना. नाउ इकॉनमी डिक्रीज, नाउ जब इकॉनमी डिक्रीज हो गई और इसके रेवेन्यू भी डिक्रीज होगा, सिंपली जब इकॉनमी डिक्रीज हो गई, जब आर्टिस्टेंस को हाई पे टैक्स करना पड़ा, पीजेंट्स को हाई टैक्स पे करने पड़े, वो बेचारे एक जगह से दूसरे जगह फिर रहे हैं, दैट मींस की इकॉनमी डिक्रीज हो रही है. जब इकॉनमिक डिक्रीज हो गई, रेवेन्यू टू सिंपली डिक्रीज हो गई, सो नाउ देयर नीड्स इन्वेस्टमेंट इन लैंड एग्रीकल्चर टू बी इम्प्रूव्ड. नाउ एग्रीकल्चर अब क्या होना चाहिए, अब इम्प्रूव होना चाहिए. अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 मेथड इस्तेमाल किए. फर्स्ट मेथड परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने लागू किया, परमानेंट सेटलमेंट. इसके अलावा महलवारी सिस्टम और रुतवारी सिस्टम. परमानेंट सेटलमेंट 1793 में इन्होंने कॉर्नवॉलिस के द्वारा किया गया था, लागू किया गया था. उसने क्या बताया था, राजास परस तुलस तुलदारस, वो क्या बनाते हैं, जमींदार. राजा प्लस तुलदार, वो क्या बनाते हैं, जमींदार. और अब ये जमींदार क्या करते थे, ये कलेक्ट करते थे रेंट, और ये रेंट जब कलेक्ट करते थे लोगों के साथ, वो किसको दे देते थे, ये देते थे कंपनी को. और ये रेंट क्या होता था, फिक्स्ड रेंट होता था, यानी कि इसको कंपनी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज देने थे, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे. अब मतलब कभी कभार क्या हो जाता था, कभी कभार बहुत सारा फसल हो जाता था, इससे ज्यादा आ जाते, तब जमींदारों को फायदा था. जब हम 19th सेंचुरी की बात करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी ऐसा कुछ हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब इम्प्रूवमेंट हो गई थी, उस टाइम पे जमींदारों को बेनिफिट हुआ था. लेकिन बहुत सारे इसे पहले ही सेल कर चुके थे, बहुत सारे जमींदारों को लैंड जो है ना वो सेल करना पड़ा था, क्योंकि हाई टैक्स ये पे करते थे. और जब हाई टैक्स ये पे करते थे, वो जमींदार बेचारे मनी लैंडर से क्या लेते थे, वहां से लोन ले लेते थे. और जब लोन चुका ही नहीं पाते थे, वो उनको क्या करते थे, वो उनको जमीनें हड़प लेते थे. अब जमीनें उनके पास बची ही नहीं थी. 19th सेंचुरी में थोड़ी सी स्थिति ठीक रही थी, बैलेंस्ड रही थी, तब क्या हुआ था, तब ये कम लोग जो है एक आराम से जिंदगी गुजारने लगे थे, जमींदार उसको थोड़ा सा फायदा हुआ था. लेकिन बहुत सारों ने तो तब तक खोया था जमीन, ये जमीन है. ऑब्जेक्टिव क्या थे, वो लैंड इम्प्रूवमेंट, इनका ये काम था कि एक तो लैंड इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, और इसके अलावा रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू, यानी कि हमें वो जो हम टैक्स लगाएंगे, जो हम 100 रुपीज
कंटिन्यूस हमें देना है, फॉर एग्जाम्पल वो कंटिन्यूस हमें मिल जाएगा। अब कैसे भी करके वो हमें देना ही है। देखो कितना जुल्म होता था कि हमें एक फिक्स्ड अमाउंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको फिक्स्ड रेंट है, यहां तक रेंट है, आपको क्या फायदा मिले या घाटा मिले हमें उससे कुछ है ही नहीं। और प्रॉब्लम क्या हुए, जिम्मेदारी नॉट इम्प्रूव द लैंड। और यहाँ पे ये हुआ कि जिम्मेदारी इम्प्रूव ही नहीं कर पाए बेचारे लैंड को। क्यों नहीं इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि उनके पास इतने इतना पैसे ही नहीं आ जाते था जितना वो टैक्स मांग रहे थे, हाई टैक्स वो पे कर रहे थे। अनेबल टू पे द रेवेन्यू बिकॉज हाई टैक्स वॉज डिमांड फ्रॉम द एशियन कंपनी, हाई टैक्स एशियन कंपनी मांग रहे थे और ये बेचारे उतने उनके पास इतना टैक्स आता ही नहीं था, इतना पैसे आते ही नहीं थे जिम्मेदारी टू बी टेकन अवे इफ नॉट। और जिम्मेदारी राइट्स उनको नहीं मिल रहे थे अगर वो पे न करेंगे, और इसके ये प्रॉब्लम्स होते थे क्योंकि जिम्मेदार को हाई टैक्स पे करना पड़ा था, लेकिन इंप्रूवमेंट वहां से वो लैंड नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास इतने पैसे होते ही नहीं थे। ठीक है ना, वो मनी लैंड लैंड और से लेते थे लेकिन उन बेचारों को फिर वो चुका ही नहीं पाते थे। ठीक है ना, और उनको जिम्मेदारी राइट्स जो है वो खत्म किया जाता था। इसके अलावा दूसरा सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट होता है फिर महलवारी सिस्टम, यानी कि विलेज सिस्टम। वो क्या करते थे, हॉल्ट मरकन जिया, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, इसने ये किया कि एक फॉर एग्जांपल एक लैंड को एक विलेज उसको मिला के यहाँ पे गए, यहाँ पे सर्वे किया, उस लैंड को मेजर किया, ठीक है ना, और फिर इस लैंड को यानी विलेज 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 और टोटल रेवेन्यू एक हेड मैन को बताया गया। यहाँ पे एक सर्वे होती थी, उस हिसाब से टैक्स लग जाता था, इस हिसाब से टैक्स लग जाता था। ठीक है ना, ये 1822 में लागू किया गया। यानी कि यहाँ पे क्या होता था, डायरेक्ट जमींदार, यहाँ पे जमींदार नहीं होता था और यहाँ पे हेडमैन होता था और हेडमैन को यहाँ पे सर्वे किया जाता था। ठीक है ना, और इसके बाद फिर रोटवारी, रोटवारी सिस्टम या उसको हम बोलते हैं मैनरो सिस्टम, मैनरो सिस्टम यहाँ पे बुक में दिया हुआ है मैनरो सिस्टम। और क्यों, अलेक्जेंड्रा रीड और थॉमस मैनरो ने ये सिस्टम दिया था। और ये रोट यानी कि कल्टिवेटर यहाँ पे डायरेक्ट हमें किससे, यहाँ पे जब अलेक्जेंड्रा रीड ने क्या किया, इसने बताया कि कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पे टीपू सुल्तान मैसूर में क्या कर रहा था, हुकूमत कर रहा था, वहां पे ऐसा कुछ निजाम नहीं है, यानी कि जिम्मेदार वहां पे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, अब हम कैसे टैक्स पे करेंगे। इन्होंने डायरेक्ट कल्टिवेटर से बात की, डायरेक्ट कल्टिवेटर्स पे टैक्स लगाया, यानी रोवर्ट कल्टीवेटर यानी कि सत्ता सेटलमेंट पे वहां पे जो हेडमैन होता था उनसे वहां पे टैक्स लिया, यानी कि हर जिम्मेदार से डायरेक्ट टैक्स, यानी कि उन हेडमैन से टैक्स, यहाँ पे जिम्मेदार जिम्मेदार का सिस्टम नहीं था और मेटल मैन का सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट इन्होंने टैक्स पे करना किया यहाँ से। और आर वाज नॉट मेल एक यहाँ पे दिया हुआ हमारे टेक्स्ट में कि यही यहाँ पे सारा कुछ सही नहीं था, इनको लगा था कि इससे इस चीजों से तो सारा कुछ सही होगा, लेकिन पीजेंट जो बेचारे थे वाज अनएबल टू पे क्योंकि इनने हाई टैक्स लगाए थे और विलेज बिकम डिजर्टेड, और बहुत सारे विलेजेस जो थे वो डिजर्टेड बन गए थे क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे बिकॉज कि उनके पास ऐसे पैसे ही नहीं थे। तो ये थी एक कहानी जो हमने पढ़ा कि एशियन कंपनी कैसे यहाँ पे आ जाती है, उनको दीवान राइट ही मिल जाते हैं और दीवान राइट के बाद उन्होंने अपने एक्सपेंड किया अपने टेरिटरी को और फिर रेवेन्यू द कंपनी, और फिर इन्होंने कैसे कैसे अडॉप्ट किया है रेवेन्यू को और परमानेंट सेटलमेंट महलवारी सिस्टम और रोथवारी। अब हम देखेंगे ग्लास अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे यूरोप से वो कौन कौन सी चीजें अब जो कंपनी चाहती थी वही सेल हो जाता था। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि क्या था जो यहाँ पे सेल होने लगा, कौन सी कल्टीवेशन होने लगी। और इसी के साथ हमारे कंटिन्यूस क्लास 8 हिस्ट्री के लेक्चरर्स चलते रहेंगे और फिर देखेंगे क्लास 6 से फिर एक पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म। वेलकम टू माय YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म, मैं हूं अयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 रूलिंग द कंट्री साइड। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम आएंगे चैप्टर नंबर 4 पे। तो स्टार्ट हमें करना है कॉप्स फॉर यूरोप, क्रॉप्स फॉर यूरोप।
तो पहले हम देखेंगे ये, अगर आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये आपको बताया था एशियन कंपनी जब यहाँ पे आई, जब बटला पलासी हो गई थी, बटला बॉक्सर हुआ था, अब जो ये जो एशियन कंपनी है यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे उस हिसाब से टैक्स, उस हिसाब से जो सिल्वर और गोल्ड ला रहे थे अब नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अब ये देवांश बन चुके थे, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आया था, अब उनके हाथ में पावर आया था ना, वो दे कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स, फ्रॉम द कल्टिवेटर्स, फ्रॉम द जमींदार, और ये उसी जो वहां से रेवेन्यू ये कलेक्ट करते थे उसी से आप गुड्स यहाँ पे ले लेते थे, और फिर ये सप्लाई करते थे कहाँ पे, अब ये सप्लाई करने लगे थे कहाँ पे, अब ये सप्लाई करने लगे थे ये ब्रिटेन में। अब आपको ये भी मैंने बताया था, अब इसको एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने के पास, उनके पास अब वो पावर्स थे कि ये जो चाहे वो करें, ये जो चाहे वो करें, जिस चीज को सेल करना चाहे उस चीज को सेल करें, जिस चीज को ब्रॉड करना चाहे उस चीज को ब्रॉड करें, यानी कि एक पर्टिकुलर उनके पास अब जो भी ये चाहते थे वो कर सकते थे। ऐसे हम करेंगे क्रॉप्स फॉर, अब इन्होंने वो क्रॉपर्स क्या किए, उन क्रॉपर्स को यहाँ पे ग्रो किया जो क्रॉपर्स इनके लिए जरूरत थी कहाँ पे, यूरोप में, जो यूरोप में जरूरत थी क्रॉपर्स, उन्हीं क्रॉपर्स को यहाँ पे कल्टीवेट कर मतलब किया, ठीक है। कंपनी एक्सपेंड ओपियम एंड इंडिगो, ओपियम और इंडिगो जो है ना, तो ये कार्टन्स के लिए, डाई के लिए लग जाते हैं, और ये जो है ना एक स्लीप दे देता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कंपनी ने अब इन दो चीजों को एक्सपेंड किया, उन दो चीजों को क्या किया, एक्सपेंड किया, किसको, ओपियम को और इंडिगो को क्या किया, इसको एक्सपेंड किया, ठीक है ना। अब क्या किया, एक्सपेंड किया, किसको, ओपियम को और इंडिगो को क्या, एक्सपेंड किया, क्योंकि ये दो चीजें जो थी ये जरूरत थी कहां पे, यूरोप में। अब देखेंगे फोर्स कल्टीवेटर्स, यहाँ पे इन्होंने फोर्स कल्टीवेटर्स भी शुरू कर दिए थे, फोर्स कल्टीवेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम करेंगे बात जूट की, जूट बंगाल में इन्होंने स्टार्ट किया था, जूट भी स्टार्ट किया था बंगाल में, और टी आसाम में स्टार्ट किया था, शुगर कैम यूपी में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, और वीट पंजाब में, कॉटन महाराष्ट्र में, पंजाब में, राइस मद्रास में, ये चीजें भी इन्होंने स्टार्ट किए। अब इन्होंने फोर्स्ड कल्टीवेशन भी स्टार्ट किए थे, ठीक है ना, यहाँ पर समझ आ गया। अब ये लोग वो कल्टीवेट यहाँ पे करने चाहते हैं जो उनको जरूरत पड़ेगी कहाँ पे, यूरोप में। नाउ द व्हाई द डिमांड ऑफ, व्हाई द डिमांड फॉर द इंडियन इंडिगो, व्हाई इंडियन इंडिगो वाज डिमांडेड, क्यों इंडियन इंडिगो ही डिमांड की गई, क्या यूरोप में, क्या ब्रिटेन में, यूरोप में, इन जगहों पे ये इंडिगो नहीं पाया जाता था, क्या वजह थी, स्मॉल अमाउंट, क्योंकि देखो क्या हुआ था, एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे कहाँ की बात करेंगे, यूरोप की, तो यूरोप में जो इंडिगो ये पहुंचता था ये लेस अमाउंट में पहुंच जाता था, यानी कि बहुत कम अमाउंट में पहुंच जाता था, और जब ये कम अमाउंट में पहुंच जाएगा, जब गुड्स कम होंगे, तब उसके प्राइसेस जो होंगे वो क्या होंगे, हाई प्राइसेस होंगे ना, तो जो यहाँ पे प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट थे गुड्स के वो कम हुए थे। यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो यूरोप में क्या कल्टीवेट किया जाता था, यूरोप में वुड वहां पे कल्टीवेट किया जाता था, लेकिन ये वुड इसकी एक खासियत थी, ये पील कलर का था और डल कलर का था, क्योंकि 19 सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी आई थी, और इस हिसाब से लगता था कि अब जो चीजें जरूरत है वो ये चीजें भी जरूरत है कि अब कलर भी दिखना चाहिए, अब इंसान थोड़ा सा फैशनेबल भी हुआ था, अब उसका कलर जो था वो भी डंग का होना चाहिए, जैसे हम आज देखेंगे, आज मॉडर्न की दौर जिसको हम कहते हैं, आज देखो आज क्या फैशन है, आज की फैशन तो छोड़ो ही, आधे ही कपड़े होते हैं जिसम पे। तो यूरोप की अगर हम बात करेंगे वुड यानी कि पेल कलर प्लस डल था, प्रोड्यूसर्स वना ब्रॉट बैन इंडिगो, मतलब प्रोड्यूसर्स फ्रॉम द यूरोप दे वना टू ब्रॉट इंडिगो, क्योंकि इंडिगो के हाई प्राइस थे और इंडिगो का जो मांग थी वो बढ़ रही थी, इसलिए यूरोप ने क्या किया था, इसने सोचा था कि इस चीज को यहाँ पे इंडिगो को क्या किया जाए, बैन किया जाए, और इंडिगो जब बैन किया गया था कहाँ पे, इंडिया में, और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में स्टार्ट हुआ था इंडिगो,
इंडिगो कल्टीवेशन कहां पे स्टार्ट हुई? नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ अमेरिका में इंडिगो की कल्टीवेशन स्टार्ट हुई। और अगर हम एंड ऑफ द 19th सेंचुरी कहेंगे और एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में जो 19th सेंचुरी की एंड की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे इंडिगो की मांग जो थी वो इंक्रीज हुई थी क्योंकि इसका कलर बहुत बढ़िया था। अब नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे, नॉर्थ अमेरिका और इनके बीच में थोड़ी सी वो निफाक उठ गई था एक हिसाब से, मतलब जो इंडिगो कल्टीवेशन जो थी वो इंडिगो की जो प्रोडक्शन थी वो डिक्रीज हो गई थी। और दैट इज वाई कि नाउ द ब्रिटिश टर्न टू इंडिया, अब इंडिया में ये क्या करने लगे, कल्टीवेशन करने लगे। अगर हम 1788 की बात करेंगे तो 13% जो इंडिगो थे वो कहां से ले रहे थे, इंडिया से ले रहे थे। अगर हम 1810 की बात करें 95 इंडिगो जो प्रोडक्शन होती थी वो कहां से होती थी, वो होती थी इंडिया से, वो होती थी इंडिया से। देखो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो 1788 में 30% इंडिगो वॉज फ्रॉम द इंडिया एंड 1810 approximately 95% indigo come from the India. Now many Scotsmen as well as Englishmen come to India in order to cultivate this indigo here. The indigo cultivations, now there was two types of indigo cultivators here. There was Nudge and Royalty, ठीक है ना, Royalty और Nudge। अगर हम Nudge की बात करेंगे, जो planters थे ये कुछ land ले लेते थे और फिर ये land rent पे देते थे, ठीक है ना। planters owns land और then taken on rent, फिर ये planters जो थे ये rent पे देते थे, लेकिन उसमें कुछ problems भी थे और भी हम देखेंगे। प्रॉब्लम्स ये थे कि जो बंगाल थे वो डेंस कल्टीवेटेड यानी वो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया था और डेंस कल्टीवेटेड एरिया था और इसके वजह से यहाँ पे हाई प्लाइज भी जरूरत थी और उस टाइम पे राइस की भी कल्टीवेशन हो रही थी एक साइड से और यहाँ पे प्लाइज की भी बहुत जरूरत थी और इन लोगों को, इन पीजेंट्स को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ना था क्योंकि उस टाइप की टेक्नोलॉजी, आज प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम के जमाने में कुछ प्लाइज प्रेजेंट थे यानी कि आज की दौर की से बहुत कम ही थे और इतने जल्दी भी बन भी नहीं सकते थे और क्योंकि थोड़ी सी टेक्नोलॉजी थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी और ये प्रॉब्लम्स भी थे नज कल्टीवेशन में। अगर हम बात करेंगे रॉयल्टी की, रॉयल्टी जो प्लांटर्स थे ये पीजेंट्स को क्या देते थे, लो इंटरेस्ट लोन्स पे देते थे, मतलब उनको लोन दे देते थे और फिर वहां से उनको बताते थे कि आपको अपने जमीन पे क्या करना है, आपको अपने जमीन पे कल्टीवेशन करनी है इंडिगो की। जब ये इंडिगो बेचारे कल्टीवेशन करते थे फिर उनको लो वेजेस दे देते थे और फिर से उनके पास क्या लोन्स ले लेते थे, तो इस साथ ये साइकिल चलता जा रहा था। ये पीजेंट्स लो इंटरेस्ट लोन्स उनको मिल रहा था और एग्रीमेंट यानी सता एग्रीमेंट हो जाता था और उनको फोर्स किया जाता था कि उनको इंडिगो, जो इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है। और विलेज हेडमैन जो था, और विलेज का जो हेडमैन होता था उस बेचारे को सिग्नेचर करना पड़ता था, साइन करना पड़ता था इस कॉन्ट्रैक्टर पे और ठीक है ना, जब ये इस कॉन्ट्रैक्टर पे साइन करता था अब इसको इंडिगो की कल्टीवेशन करनी ही करनी थी और उसी कंपनी को दे देनी थी, ठीक है ना, एडवांस कैश। और उसको एडवांस कैश भी थोड़ा सा मिल जाता था, फॉर एग्जांपल 25% ऑफ लैंड जो था वो रॉयल्टी कल्टीवेशन के अंडर आ जाता था। 25% जो लैंड थी वो किसके अंडर थी, वो रॉयल्टी कल्टीवेशन के अंडर थी। और प्रोवाइड सीड प्लस ड्रिल, और ये क्या करते थे, और ये प्लांटर्स उनको एक सीड देते थे और ड्रिलिंग कराते थे और बाकी जो सॉइल की जो बाकी चीजें जो वाटर देखना होता है या सॉयल, वो सारा कुछ जो था वो इन पीजेंट्स का काम था। आफ्टर इंडिगो, जब इन बिचारों का ये भी एक नुकसान था कि जहां पे ये इंडिगो की कल्टीवेशन करेंगे वहां पे वो राइस की कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे बिचारे, क्योंकि जो इंडिगो थे उनके जो रूट्स थे वो रूट्स बहुत डीप होते थे एज कम्पेयर टू द राइस। और जहां पे ये इंडिगो कल्टीवेशन करेंगे बिचारे और वहां पे ये किसकी कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, वहां पे ये राइस की कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ये भी एक बात थी। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स विद नज कल्टीवेशन, ये हमने अभी खत्म किया है। और नाउ ब्लू रिबेलियन स्टार्टेड मार्च 1859, और जब आपको पता है रिवोल्ट ऑफ 1857 अभी हम नहीं बढ़ा, आगे हम बढ़ेंगे, और एक रिवोल्ट हुआ था और सिपाहीज वगैरह के दरमियान, वो भी हम आगे बढ़ेंगे। और फिर क्या हो जाता है, मार्च 1859 में एक
यहाँ पे अगेनेस्ट हो जाते हैं लोग, पीजेंट अगेनेस्ट होते हैं, हो जाते हैं, रिफ्यूज बंगाल, बंगाल रिफ्यूज करना है इंडिगो कल्टिवेशन को। ये कहता है कि नाउ वी विल नॉट कल्टिवेट द इंडिगो इन आवर लैंड, अब हम कल्टिवेशन नहीं करेंगे अपने खेतों पे, अपने जमीनों पे इस इंडिगो की, क्योंकि जहां पे हम एक तो बंगाल एक ऐसा राज्य था, एक ऐसा रीजन था जहां पे क्या था, जहां पे डेंस पॉपुलेशन थी, और दूसरे हिसाब से उन विचारों के पास ये भी था कि जहां पे ये कल्टीवेशन करते थे इंडिगो को, वहां पे राइस कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे। इन्होंने रिफ्यूज किया इस इंडिगो कल्टीवेशन, और जो रॉयल्टी सिस्टम था उनको लोन दिया जाता था, फिर लोग बेचारे कम दामों में उनको वो बेचना पड़ता था, और इस हिसाब से साइकिल चल रहा था, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज किया है पे रेंट्स, अटैक इंडिगो फैक्ट्रीज। नाउ दे वर in the position to fight against the British rule against this company, or they attacked the Indigo factory and they boycott socially to the person who will cultivate the Indigo, और उस person से हम boycott करेंगे socially, उनके साथ खाना पीना, उनके साथ उठना, उनके साथ ना कोई भी ताल्लुक नहीं रखेंगे जो Indigo cultivation अब भी करेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ इन्होंने किया है। और गोमसाथ और जो रेंट कलेक्टर्स थे कहां से आते थे, यहाँ पे जो कंपनी ने रखे थे उनको बेटन किया गया था, बताया गया था जब वो यहाँ पे आएंगे हम उनको मारेंगे, ऐसे ही उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग भी होते थे, और इन्होंने ये किया कि जब वो कहते हैं ना वो पावर हो जाता ना पीपल्स पब्लिक पावर, जब किसी कुम एक यकजहती बया जाता है कि हमें कुछ करना है, किसी पर्टिकुलर एक स्पेशल जब उनका मकसद बन जाता है और वो हो ही जाता है, जब हर एक कुम हर एक रिजन की एक ही लगन हो, एक ही दिमाग में हो, तब कुछ ना कुछ जरूर इसका रिजल्ट निकलता है। और ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ कि वाई इंडिगो पीजेंट डिसाइड्स नॉट टू बी अ साइलेंट, और इसके अलावा क्यों नहीं ये अब साइलेंट रह गए, क्योंकि अब विलेजर्स को भी विलेज हेडमैन्स को भी पता ये थी कि ये सही नहीं है, अब जमींदार को भी बेचारों को कंटेक्ट करना पड़ता था कि यहाँ पे कंटेक्ट लिखो, और फिर उसको मसला हो जाता था आगे, ठीक है ना। तो यही कि लोकल जमींदार एंड विलेज हेडमैन्स, और लोकल जमींदार जो विलेज के हेडमैन्स थे अब ये भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, और इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको किसी हद तक सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रिवोल्ट 1857 हुआ था, और मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करेंगे असली एडन नोट्स, इसने नोट्स किया था कि क्वीन विक्टोरिया ने बोला कि एग्रीमेंट नो एग्रीमेंट विद प्लांटर्स, लेकिन इसने ऐसे ही बोला था कि ताकि क्या हो जाए जो ये रिवोल्ट है ये किसी हद तक साइलेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, इंडिगो कमीशन बिठाई गई और यहाँ पे प्लांटर्स को गलती माना गया, और जब गलती माना गया तो फुलफिल कंट्रैक्टर्स नाउ जो इन्होंने कंट्रैक्ट किया है ऑलरेडी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको खत्म करने के बाद देर इज नो नीड टू कंट्रैक्ट फर्दर, और अब उनको इंडिगो कल्टीवेशन की कोई जरूरत भी नहीं है। नाउ शिफ्टी नाउ जब ऐसा कुछ हुआ था नाउ जो कौन यकजहती में आए थे अब उनके जो उन्होंने कहा था वो माने लगे थे कहाँ पे बंगाल में, नाउ देर इज नो नीड टू कल्टिवेट द इंडिगो इन द फैक्ट्री इन द रीजन ऑफ बंगाल, नाउ दे मूव्ड दिस रिवोल्ट दिस रिबेलियन मूव्ड टू द बिहार, ठीक है ना, अब ये शिफ्ट हुआ है बिहार में, और वहां पे हम देखते हैं चंपारण की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे जब महात्मा गांधी साउथ अमेरिका से आए 1915 में, और फिर 1917 में वो थ्री सत्याग्रह यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वो नेशनल मूवमेंट में आ जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे जो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो मिलते हैं महात्मा गांधी से 1970 में, और अगेनेस्ट इंडिगो प्लांटर्स यहाँ जाते हैं और चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, फिर अलाहाबाद सत्याग्रह भी स्टार्ट ही करते हैं, फिर उसके बाद एकेडी सत्याग्रह भी स्टार्ट करते हैं, वो हम देखेंगे क्लास 8 के लास्ट लेक्चर में इंडियन मोमेंट्स, ठीक है ना, इंडियन नेशनल मोमेंट्स, तो चंपारण सत्याग्रह, और यहाँ पे भी
यहाँ पर भी अब इंडिगो कल्टिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये थी कुछ चीजें जो हमने देखा रूलिंग द कंट्रीसाइड कि अब ये लोग कैसे रूल करने स्टार्ट किए थे, अब इन्होंने अब उनके पास रेवेन्यू आए थे, अब ये कैसे उस रेवेन्यू को यूज करते थे, अब इन्होंने सेटलमेंट जो रखे थे वो कुछ परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किए थे, अब इन्होंने महलवारी सेटलमेंट स्टार्ट किए थे जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इसके अलावा रॉयल सेटलमेंट भी स्टार्ट किया था। और होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ स्टडी प्लेटफॉर्म। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।